हैबिट्स डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कोई किसी ने कहा कि सर हम सुबह नहीं उठ सकते, ऐसी गंदी आदत है हमारी, हमें लगता है कि हम सुबह अगर जल्दी उठ जाएं तो कमाल कर सकते हैं, लेकिन साला नींद खुलती ही नहीं है। अलार्म बजता है साला बंद करके फिर सो जाते हैं हम, अलार्म भी थक गए आप तो। वो कह रहा मत बज, ये तो उठेगा ही नहीं। तो सर कुछ ऐसा कर दो कि हम जल्दी उठ जाए। मैंने कहा तेरी आदत तो मैं 3 दिन में बना सकता हूं। उसने बोला सर 40 साल उम्र होगी साला, अब नहीं बदली। मैंने कहा 3 दिन लगेंगे, और जो मैं तेरे को टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूं वो तेरे को यूट्यूब पे गूगल पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरी ओन पर्सनल टेक्नोलॉजी है। और मैंने कहा अगर तू 3 दिन के बाद भी सुबह 6 बजे ना उठा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दूंगा भाई, मैं धंधे से संन्यास ले लूंगा। तू 3 दिन में अगर सुबह 6 बजे ना उठा तो। बोला ऐसा क्या करोगे, तो कल से तुमको क्या करना, सुबह 6 बजे का अलार्म लगाना है और अलार्म बजेगा तुम्हारा एज यूजुअल, तुम नहीं उठोगे तो अलार्म बंद कर देना, सो जाओगे तुम, फिर तुम्हारी नींद खुलेगी करीब करीब 8:40 पे, जो कि यूजली होता होगा तुम्हारे साथ। अब तुम 8:40 पे उठे और देखा यार 6 बजे का अलार्म लगाया था तो मैं नहीं उठा, तो तुमको कुछ नहीं करना, मेरी एक छोटी सी बात माननी है, अपने जेब में जो बड़े से बड़ा नोट है वो निकालना है, मान लेते हैं 100 का है, कुछ मत करना, 8:40 पे नोट फाड़ देना, 8:40 पे नोट फाड़ देना और अपने काम पे चले जाना, और तुम अपने काम पे चले जाना, कुछ मत करना, कुछ मत करो, अगले दिन फिर 6 बजे का अलार्म लगाओ, कुछ मत करो। अगले दिन 6 बजे का अलार्म लगाओ और फिर तुम ऐसी हरामखोरी करोगे, अलार्म बजेगा, सर्दी का मौसम होगा, तुम कंबल रजाई लोगे और फटाक से उसको बंद करोगे, सो जाओगे, फिर तुम्हारी नींद खुलेगी 9:15 पे। कुछ मत करो, उठो, जेब से 100 का नोट निकालो, फाड़ देना, अपने काम पे चले जाओ। तीसरे दिन 4 बजे तेरी आंख खुलेगी अगले दिन, अभी 4 है सो जा रहे। तू 6 बजे से पहले 6 दफा उठेगा, मेरा चैलेंज है, तू करके तो देख, एटलीस्ट तू ट्राई कर, तू फाड़ दे। जो आदत 20 साल में नहीं बनी वो 200 रुपए बना देता है, अगर आप बनाना चाहें। लेकिन जब तक प्यार प्यार से कराओगे साला कुछ नहीं करेगा। अब एक आदमी ने मुझे बोला ठीक है हमारे पास 100 रुपए ना हो तो क्या करेंगे, हम तो बहुत गरीब आदमी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास 100 रुपए ना हो सकता है भाई, 50 भी ना हो, 20 भी ना हो, गरीबी बहुत है, तू कुछ मत कर। मैंने कहा 6 बजे जब उठेगा अलार्म बजेगा तो सो जाएगा, और जब तू दोबारा 8:40 पे उठेगा तो तेरे पास जो सबसे बेस्ट शर्ट हो उसको जला डाल, इसको मैं बोलता हूँ सेल्फ पनिशमेंट। उसने बोला हमारे पास शर्ट ना हो तो। मैंने कहा बीवी की साड़ी जला दे, तू जला दे, मेक इट अ फायर। तेरी बीवी अगले दिन तेरे कान पे मार के तुझे ना उठाए तो तू मेरा नाम बदल दियो जा। कौन कहता है आदत नहीं बनती, बनती है सर, अगर आप बनाना चाहें तो। लेकिन कुछ ना कुछ तो दाव पे देखो, अगर आग जलानी है तो लकड़ी को तो जलना पड़ेगा, बिना लकड़ी के जलाए आग नहीं जलती यार, लकड़ी पैसे की आएगी। यू हैव टू स्पेंड मनी। और 200 रुपए में अगर कोई आदत बन जाए तो इस दुनिया का सबसे सौदा डील, सबसे सस्ती डील है ये। आप जो आदत चाहो बना सकते हो, मैं उसको बोलता हूं सेल्फ पनिशमेंट। और मजे की बात तो है कि आप बदल सकते हैं, आप चेंज हो सकते हैं। आप कोई पेड़ थोड़ी है नीम का, जो एक बार गड़ गए तो हिल नहीं सकते कहीं, कि चेंज नहीं कर सकते अपना स्थान। यू कैन चेंज। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बदल सकता है। कहते हैं कि इंसान अपने विचारों का एक रूप होता है, जैसे उसके विचार होते हैं वैसे ही उसकी जिंदगी। अपनी दुख भरी जिंदगी को खुशनुमा बनाने का इन सब का एक तरीका है अफर्मेशन या फिर ग्रेटिट्यूड। इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे आप प्रार्थना कहें, अफर्मेशंस कहें या फिर ग्रेटिट्यूड कहें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपका एक सेकेंड भी मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। और आपका माइंडसेट जो है वो इतना बदल चुका होगा ना इस वीडियो को देखने के बाद में, आप सोच भी नहीं सकते। तो अब आप अपनी आंखें बंद कर लें और एक लंबी गहरी सांस लें, और सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को और ज़्यादा रिलैक्स करें। और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे हो सके तो साथ में दोहराएं, या फिर अगर नहीं भी दोहराएं तो मन में ही खुद को उस स्थिति में इमेजिन करें।
शुरू करते हैं। मैं आज के इस दिन के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ और एक शांति और एक नए जोश के साथ इस दिन का स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे वो सारी चीज़ें दी जो इस दुनिया में लाखों लोगों को नहीं दी, और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों का जो मेरा साथ दे रहे हैं मुझे अपनी मंजिल को पाने में। आज का दिन और आने वाला हर दिन हमारी ज़िंदगी का एक नया दिन होता है, और उस नए दिन में हम भी एक नई ऊर्जा के साथ उस दिन की शुरुआत करें, सारे दुखों को भुलाकर एक नए दिन के साथ एक नए इंसान बने। मैं इस नए दिन में एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ और हर सेकंड के साथ मेरी खुशी और मेरी एनर्जी बढ़ रही है। मेरा मन बहुत शांत हो रहा है और इसी शांति के साथ मैं अपने जीवन का हर फैसला लेता हूँ। मैं अपनी सक्सेस की जर्नी को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं हमेशा लोगों में और खुद में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई को देखता हूँ। मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हूँ और हर चीज़ को बहुत ही जल्दी सीख लेता हूँ। मैं और मेरी ज़िंदगी दोनों सबसे अलग है, इसीलिए इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीख रहा हूँ और हर रोज़ ग्रो कर रहा हूँ। मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ। मेरी स्किन का कलर, मेरे चेहरे की बनावट और मेरी बॉडी की शेप जैसी भी है, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। आई एम ब्यूटीफुल। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं, और चाहे कोई प्यार करे या ना करे, बट आई लव माई सेल्फ, क्योंकि ये दुनिया उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है। इसलिए आप कैसे भी हो, लव योर सेल्फ। लोगों को नहीं, लेकिन मुझे अपनी ताकत का पूरा अंदाज़ा है और मैं इस ताकत से सब कुछ कर सकता हूँ। मैं प्यार बांटने में और प्यार पाने में विश्वास रखता हूँ। मैं अकेला ही बहुत खुश हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। मेरा फोकस दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर है, खुद की मेहनत पर है। मैं बोलने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखता हूँ। मैं हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकेंड की वैल्यू करता हूँ, और मैं हर वक्त सिर्फ वही काम करता हूँ जो मेरे मकसद से जुड़ा हुआ है। हम भगवान से ये प्रार्थना ना करें कि हमारी ज़िंदगी में दुख ना आए, बल्कि हम ये प्रार्थना करें कि उन दुखों का सामना करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत आए। हे भगवान, मुझे शक्ति देना उन चीज़ों को बदलने की जो मैं बदल सकता हूँ, और शक्ति प्रदान करना उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं नहीं बदल सकता। और भगवान, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उस सब के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जो इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।